नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जिला जांजगीर चांपा के नवागढ़ ब्लॉक के मेहंदा गांव में रहने वाले सुनील कुमार साहू ने पामगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया कि पामगढ़ मेवभाटा निवासी लीलाराम खरे वर्ष 2018-19 में मेहंदा निवासी सुनील कुमार के साथ मुलाकात हुआ था, जो मुझे बताया कि आपके नाम से लोन निकल रहा हूं, जिसमें आपको 60,000 रुपए मिलेंगे और आपको लोन नहीं पटाना पड़ेगा, कहकर मेरे नाम से फर्जी पट्टा बनवाकर पंजाब नेशनल बैंक शाखा नेला से मेरे नाम से 1,00,000 रुपए निकाल लिया और पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंधक के द्वारा मेरे घर रिकवरी करने आया। तब मुझे पता चला कि मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। उक्त लोन को लीलाराम खरे पामगढ़ मेवभाटा निवासी ने फर्जी तरीके से लोन निकाला है। मुझे जानकारी होने के बाद मैंने लीलाराम खरे को फोन लगाया और बोला कि मेरे नाम आप फर्जी लोन लिए हो से पटा दो। तब वह व्यक्ति वाद विवाद गाली गलौज कर रहा है। आज इस मामले को लेकर पामगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया है और उचित कार्रवाई करने की मांग की है। कैमरामैन महेंद्र कुमार के साथ भरत सिंह चौहान की रिपोर्ट। भैया का नाम है आपके? सुनील कुमार साहू। मैं मेहंदा के यहाँ। अच्छा, कहाँ है? पामगढ़ थाना आ रहे हैं। मैं का मामला लेके आया है बता। लीलाराम खरे मेव भाठा जे है मोला 2018-19 में गांव अगैरी से, तब भैया आप मतलब मैं लोन दे था कहीं से, तब मोर आधार कार्ड लेके आई से 6,000 मोला दी से, वह इला पटाए बे नहीं पड़े कहीं। अच्छा। तो मतलब फर्जी तरीका से पंजाब नेशनल बैंक से महिला शाखा से केसीसी निकलवाए रही। कतका निकलवाए रही से? वो करीब 1,00,000 के आसपास निकलवा है। अच्छा, आओ गांव के के जन के निकाले? आओ 2-3 जन का निकलवा है। अच्छा, तो रिकवरी पर जब मोर का राइस ना, तो मैं कर 2-3 बार आए भी हैं, तो मैं बोले भैया लाभ पटा दे, वह मोर नाम फर्जी निकलवा है, तो वो बोली से मैं पटा दहा जनवरी में, तो आज मैं कर गए हैं तो मोला गाली गलौज करी से, उल्टा सीधा बात करी से। कौन था? लीला राम। अच्छा, फोन लगा रहे मैं हैं, तो वजह से मैं थाना में आए हैं, यहाँ अपन सुनाई कर रहा है। का चाहा था कार्रवाई होना चाहिए? मोर लोन निकाले तेरा पटावा, अपन मोर न्याय चाहिए। ठीक। बताएंगे क्या मामला को लेकर के आप थाने आए? पूरा सरपंच हूँ ग्राम मेहंदा का जी, जिसमें गरीब लोग को लूट रहा है फर्जी पर्ची बनाकर। कौन? लीला राम। कहाँ रहता है? न्यू भाटा में रहता है। अच्छा, और आदमी को धोखा दे रहा है कि 6,000 दूंगा, पैसा पटा नहीं पड़ रहा है बोल रहा है, और उसको गलत काम कर रहे हो तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए। मैंने आए थे आज, सुनील साहू आए थे मेरे साथ लेके आया था। सुनील साहू ने कितने व्यक्ति के ऊपर लोन लिया है? 3-4 लोग के तो मेहंदा में खुद है, अब बाहर के लोग तो नहीं जानते कितना है, लेकिन मेहंदा का 3-4 लोग है। पर्ची भी फर्जी बना है? पर्ची फर्जी भी बना है, तहसीलदार का दस्तखत भी है, उसमें पटवारी का दस्तखत है, अब वो जाना किसका दस्तखत करवाते हैं। ऐसे में तो पटवारी लोग हम का दस्तखत नहीं करते हैं, पर्ची एक नंबर की नहीं बनाते, उसके फर्जी के लिए खुद पटवारी लोग भीड़ है। अब मैं उसको क्या ज़्यादा दूँ, उसका काम होना चाहिए सुनील साहू का, पैसा पंजाब नेशनल बैंक का पटना चाहिए।